अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट का सियासी गणित। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है, मगर इस बार भाजपा कैसी स्थिति में है, बात आज इसी पर। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और महेश जीना इस सीट से विधायक है। इस सीट पर 2002 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के रंजीत सिंह की जीत हुई थी, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन 2017 के चुनाव में मोदी लहर के चलते भाजपा के सुरेंद्र सिंह जीना की जीत हुई। हालांकि विधायक सुरेंद्र जीना का निधन हो गया, जिसके बाद इसी साल अप्रैल महीने में इस सीट पर उपचुनाव कराए गए, जहां भाजपा की तरफ से महेश जीना मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस ने गंगा पंचोली को मैदान में उतारा था। महेश जीना ने गंगा पंचोली को शिकस्त दे दी। मैरोली चित्तौड़खाल रोड का शुरुआत कराई, जो अभी बिल्कुल अंतिम छोर पे पहुंच चुका है। उसके बाद बुरास पानी लखनखोट का पार्ट वन का कार्य कराया, जो अब संपूर्ण हो चुका है। पार्ट टू का कार्य भी जो है लग चुका है। इसके अलावा अभी मैं लगातार पेयजल के उसमें भी प्रयासरत हूँ, जिसमें मेरी बदनगढ़ पेयजल योजना, मेरी झिमार पंपिंग योजना, मेरी तिमली छिछोटी पेयजल योजना, मंगरू खाल पेयजल योजना, गढ़कोट पेयजल योजना। उपचुनाव में महेश जीना को सबसे ज्यादा फायदा सहानुभूति का हुआ। सुरेंद्र जीना के निधन के बाद उनके परिवार के साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई थी, इसीलिए भाजपा को भी सहानुभूति और मैनेजमेंट के चलते जीत मिल पाई। मगर इस बार पहाड़ पर सियासी समीकरण बदले हुए हैं। कांग्रेस यहां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है, इसीलिए इस बार भाजपा की राह आसान नहीं होगी। एबीपी गंगा के लिए सल्ट से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस सीट पर हुए उपचुनाव में नतीजा क्या रहा था। उपचुनाव में भाजपा ने महेश जीना को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस की तरफ से गंगा पंचोली मैदान में थी। महेश जीना ने गंगा पंचोली को चुनाव हरा दिया था। विधायक महेश जीना अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास का दावा कर रहे हैं, मगर विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। सालों में मैंने अभी देघाट के अस्पताल के अंदर 14.5 लाख रुपए मैंने अपनी निधि से दिए हैं। सालदे अस्पताल में मेरे द्वारा 6.5 लाख रुपए उसके सुधारीकरण के लिए दिए गए हैं, जिसमें से 24 लाख रुपए मेरे देवयान अस्पताल में दिए हैं और 18 लाख रुपए मछोड़ अस्पताल में दिए हैं। जब टेक्नीशियन ही नहीं होगा तो भैया मशीन का उद्घाटन करके क्या करना है। और उनने उस समय ये कहा कि हफ्ते में एक दिन आएगा, कि शुक्रवार को आएगा। माना किसी का हाथ शनिवार को टूट गया तो क्या वो शुक्रवार तक एक्सरे मशीन टेक्नीशियन के लिए रुका रहेगा? उसे तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना। तो ये खाली एक ढकोसला ये लोग दिखाते हैं, लोगों के साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि सल्ट विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। तो पहला बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर ठीक नहीं है। सल्ट क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए रामनगर या रानीखेत जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए भी रानीखेत जाना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या, स्टेडियम की घोषणा यहाँ पर अभी अधूरी है। तीसरी बड़ी समस्या, तिमली चचरोटी पेयजल योजना अधर में लटकी हुई है, और इसके अलावा रोजगार नहीं होने से यहाँ से पलायन हो रहा है, जंगली जानवरों से खेती को नुकसान हो रहा है। ये बड़े मुद्दे हैं सल्ट विधानसभा सीट के। और अब आपको दिखाते हैं कि सल्ट विधानसभा सीट की जनता विधायक के काम से कितना खुश है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक डॉक्टर, कंपाउंडर और ना तो किसी प्रकार की कोई अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था अभी तक नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम तक कोई व्यवस्था नहीं है। 83 लाख का तो मंदिर कालिंका मंदिर सौंदर्यकरण के लिए दिए हैं उन्होंने, और मटखानी वाली रोड डामरीकरण के लिए कहा है उन्होंने। हॉस्पिटलों की दशा, बिल्कुल दशा और दिशा दोनों ही चीज़ें सुधार दी हैं उन्होंने, और आज देखने में लगता है कि हॉस्पिटल है। इधर काशीपुर में आयोजित भाजपा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में 2022 के चुनाव को लेकर मंथन हुआ। मीटिंग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। मदन कौशिक का कहना है कि 2022 में होने वाले चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में। बोले प्रबुद्ध सम्मेलन में हम लोग समाज के प्रबुद्ध जनों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी पार्टी अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा समाज के बीच में एक जिम्मेदारी के साथ खड़ी है। हमारा ध्यान डेवलपमेंट का एजेंडा है, वही हमारा वैचारिक रूप से भी मजबूती के साथ खड़े हैं। राष्ट्रवाद की बात होती तो हम अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं।
तो आज वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जो चुनाव हैं, यहाँ डबल इंजन का एहसास यहाँ डेवलपमेंट में नज़र आ रहा है।